हरे कृष्ण बच्चों, वेलकम बैक क्लास 9th यूनिट 1 संख्या पद्धति और नंबर सिस्टम। राइट, हम कर रहे 1.4, बिल्कुल नया एक्सरसाइज शुरू हो गया। और यहाँ पर उत्तरोधर आवर्धन यानी मैग्नीफाइंग लेंस के माध्यम से हमें 3.765 को हमें दर्शाना है नंबर लाइन पर। राइट, संख्या रेखा पर हमें क्या करना है, इसको दर्शाना है। राइट, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, देखो बेटा बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चे से क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। राइट, तो छोड़ना नहीं है, इसको बिल्कुल समझना है आपको कि कैसे हम मैग्नीफाइंग लेंस द्वारा इस संख्या रेखा पर इस नंबर को हम दर्शा सकते हैं। तो राइट, हम एक संख्या रेखा खींचते हैं, हमसे देखो यहाँ पे मैंने एक संख्या रेखा खींचा आपके लिए। राइट, और इस संख्या रेखा पर क्या करना है आपको कि आपके पास यहाँ पर ये कट यहाँ लगा लो, आपके पास देखो यहाँ पे क्या है कि थ्री पॉइंट है ना, थ्री से ज्यादा है लेकिन चार से क्या है, कम है। तो आपको यहाँ रखना है आपको थ्री और यहाँ रखना है आपको चार एंड में, और यहाँ पे क्या करना है आपको छोटे छोटे यानी 1 2 3 4 5, तो 5 वाला थोड़ा सा लंबा कर लेना। और उसके बाद फिर देखो कहते हैं 6 6 7 8 9, और आपके पास यहाँ पर इस तरीके से आप देखो तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3.1, ये हो जाएगा 3.2, ये हो जाएगा 3.3, ये हो जाएगा 3.4, ये हो जाएगा 3.5, ये हो जाएगा 3.6, ये हो जाएगा 3.7, ये हो जाएगा 3.8 और ये हो जाएगा 3.9। और अगर आप देखो ध्यान से तो ये बन जाएगा आपके पास 4, ये क्या हो जाएगा आपके पास 4। राइट, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये नंबर लिखना है, क्योंकि देखो 3 को पहले आपको क्या करना है, ये जो 3 है आपने 3 को करना 3 से ज्यादा है, तो 3 को एंड मतलब 1 एंड लेना है और 4 के वो सेकंड एंड लेना। राइट, और उसके बीच में 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 इस तरीके से आपको लिखना है। यानी आप हम क्या कर रहे हैं, 1 डिजिट यानी 3.7 को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं पहले। तो यहां पे क्या होगा, देखो 3.7 से ज्यादा है ये, है ना, और 3.8 के बीच में, तो आप क्या करेंगे यहां पर एक मैग्नीफाइंग ग्लास बनाएंगे। आपके पास ये आपका मैग्नीफाइंग ग्लास बन गया, और इस तरीके से आपको क्या करना है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास आपने यहाँ पे बनाया। राइट, तो यहाँ पे पहला स्टेप आपका पास यही है कि आपको ये 3.7 और 3.8 कवर करना है। उसके बाद फिर क्या करना है मेरे को कि एक और नंबर लाइन जनरेट करना है बिल्कुल सेम इसी तरीके से। और यहाँ पर की बार मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कवर करूंगा 3.7 और यहाँ पे मैं कवर करूंगा 3.4, और फिर हम देखते हैं कि एक एक थोड़ा थोड़ा सा इसको और लंबा सा गैप ले लेते, 1 2 3 4 5 5 थोड़ा सा लंबा कर लो, और 6 7 8 9 और ये हो जाएगा आपके पास 10। राइट, तो यहाँ पे क्या किया हमने, 3 पॉइंट क्या ले लिया आपके पास 3.8, क्योंकि हमने मैग्नीफाइंग ग्लास में यहाँ पे 3.7 और 3.8 कवर किया था। राइट, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको 3.8 को यहाँ पे हमने कवर कर लिया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 ये हो जाएगा 3.78 3.7 आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 ये से अब 7 हो जाएगा सॉरी, और ये हो जाएगा 3.8 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3.9 और ये हो जाएगा आपके पास 3.7 7 7 7 78 और ये हो जाएगा आपके पास 79 और ये इसको जैसे ऐड करेंगे 3.8 आ जाएगा। राइट, अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे जो कवर करना है, आप देखो यहाँ पे कवर क्या करना है, 76 है तो 76 आपका यहाँ पे है, और 3.76 और 3.77 को आप क्या करेंगे, कवर करता हुआ आप एक मैग्नीफाइंग लेंस बना देंगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और मैग्नीफाइंग लेंस जनरेट हो जाएगा। और हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं 3.26 यानी 2 हम कवर कर चुके हैं। राइट, अब हमें कवर करना है आपके पास 3.765, तो एक और आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास बनाएंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास के आपके लिए नंबर लाइन बनाएंगे। राइट, और ये आपके पास यहाँ पर कवर हो जाएगा 3.76 और इसके बाद थोड़ा थोड़ा लंबा सा गैप लेकर, देखो जब आप गैप लेंगे तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जो गैप होना चाहिए पूर्णतः बराबर 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 गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कट लगाया 1 2 3 और ये हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 5 का लगाया मैंने, 5 का थोड़ा सा लंबा कर लो। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, यानी क्योंकि देखो यहाँ पे मैं गैप्स में थोड़ा ज्यादा ले रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर दिखाना है, तो नंबर दिखाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको बड़ा लेके तो आसानी से मैं इसको लिख पाऊंगा। राइट, तो 3.67 ये वो 3.8 3.9
9 और ये क्या हो जाएगा आपके पास यहां पे 3.9 हो जाएगा और ये 10 को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो तो यहां पे हो जाएगा आपके पास देखो यहां पे मैंने कवर कर लिया जो मैग्नीफाइंग ग्लास है 3.776 और 3.777 कवर कर लिया राइट और यहां पे मैं लिख सकता हूं 3.77 राइट और यहां पे अगर हम चेक करें तो हम इसे क्या करेंगे 3.761 राइट और ये हो जाएगा 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 3.769 और उसके बाद जैसे हम बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 3.77 यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास कवर हो जाएगा राइट तो हम क्या देखते हैं किस तरीके से आपके पास यहां पर जो हमें ये जो नंबर संख्या रेखा पर जो नंबर कवर करना था आपको 3.76 ये आपका नंबर यहां पर आपके पास ही क्या हो गया ये मिल गया ना ये तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको क्या मिल गया आपका जो हमें कवर करना था वो नंबर मिल गया राइट तो इस तरीके से हम क्या करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास पर हम मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से देखो यहां पर आप क्या दिखा सकते हो थोड़ा सा ना इस तरीके से आप दिखा सकते हो कि आपने यहां पर क्या किया कवर किया है क्या कवर किया है आप थोड़ा सा इस तरीके से आप यहां पर एक थोड़ा सा और डिजाइन ऐसा बनाकर दिखा सकते हो कि आपका ये मैग्नीफाइंग ग्लास यहां पे इस तरीके से फिर आप दिखा सकते हो कि ये आपका मैग्नीफाइंग ग्लास आपके पास यहां से यहां पे कवर कर रहा है राइट कि आपने ये मैग्नीफाइंग ग्लास बनाया और अल्टीमेट आपके पास क्या होगा आपके पास देखा देखा जाए तो आपके पास ये जो आंसर निकल के आया ना ये जो आंसर है आपके पास ठीक है 3.765 ये आपका इस नंबर लाइन पे ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा और आप इसे हाईलाइट करके दिखा सकते हो अपने एग्जाम में और इस तरीके से आपको क्या करना है मैग्नीफाइंग या नंबर लाइन पे मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से आपको ये नंबर यहां पर ढूंढना है राइट और यहां पर आप क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखो तो देखो यहां पे इसके सॉल्यूशन में क्या है तो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि 3.26 है राइट 3.26 है तो और इसको पर बात किया होता है यानी आपको अल्टीमेट ढूंढना क्या है तो ये अल्टीमेट ऐसे चल रहा है 2.6 इस तरीके से क्या हुआ ये चलता जा रहा है तो यानी आपको क्या करना है आपको जो मैग्नीफाइंग ग्लास पर दिखाना है 2.2626 ये दिखाना है आपको तो ठीक है तो अब यहां पे 4 और 5 से नंबर मैग्नीफाइंग ग्लास लेंगे और इस तरीके से आपको क्या करना है यानी अल्टीमेट ये नंबर जो है आपको यहां पे ये दिखाना है राइट और यहां पे आपके पास देखो यहां पे 3 डिजिट था तो आपके पास मैंने 1 2 3 तीन नंबर लाइन लेना पड़ा यहां पे 4 डिजिट तो आपको 1 2 3 4 4 लेना पड़ेगा चार बार नंबर लाइन लेकर आपको क्या करना पड़ेगा दिखाना पड़ेगा तो मेरे ख्याल से आपको जब ये आप गहराई समझ लेंगे तो आप इसे कर पाएंगे राइट और आप प्लीज हिसाब करने का प्रयास करना अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट्स में लिखना मैं आपको इस सवाल का अलग से वीडियो बना के दूंगा लेकिन प्लीज आप ट्राई करो क्योंकि बहुत ही आसान है इसे घबराना नहीं है अच्छे से समझना है अगर आपको ये समझ में आया तो आप अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू।